हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जो भी लोग एएनएम के कैंडिडेट है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रात के 9 बजे प्रतिदिन आपके 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे आएगा, और 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको दिमाग को हिला देगा। जी हाँ साथियों, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा यहाँ पे। 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली एमसीक्यू रहेंगे, बट उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा मैं बताते चलूँगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में एग्जाम का बेहतर तैयारी कर सके। आप लोग जानते हैं कि आपके पूरा एएनएम का सिलेबस है, तो उसी बेस पर मैं पढ़ाऊंगा। कोई जो है लो लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसको आपको समझना है और देखना है। ठीक है, चलिए आज हम 50 क्वेश्चन का पहला वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग जो भी लोग हैं शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप हैं सब में। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं, एक एडल्ट के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ओरल, मतलब मुंह से नापने पर कितना जो है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सेंटीग्रेड में बताना है, 35, 36, 37, 37.5 बताना है। तो सेंटीग्रेड में बात करेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा राइट आंसर, और फारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 फारेनहाइट होता है। यहीं पर बात करेगा हाइपोथर्मिया का, तो हाइपोथर्मिया 95 फारेनहाइट से कम होता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, और बात करेगा हाइपरथर्मिया तो 104 से अधिक हो जाता है तो जो है हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख सकते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न है माय डियर, बहुत शानदार है। निम्न में से मेंटली हेल्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, कहता है इनमें से कौन है जो मेंटली हेल्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। देखिए यह आपके मेंटल हेल्थ से है, तो आप लोग समझ लीजिए मेंटल हेल्थ व्यक्ति का लक्षण कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन होते हैं, तो जब होते हैं इनमें से पता है, तो नहीं होते हैं एक आपको पता हो जाएगा। तो इमोशनली स्टेबिलिटी, मतलब जो व्यक्ति मेंटली हेल्थ होता है उसको इमोशन का स्थिरता होता है, सही बात है, होता है लक्षण होता है, उसके अंदर समायोजनशीलता होता है, बिल्कुल होता है, अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज ये नहीं होता है। ठीक है, ये लक्षण नहीं होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग जो है चलते हैं, सॉरी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे आप लोग देख लीजिए चीज़ को। दूसरा जो प्रश्न है अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज, एक्सट्रीमिज भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये भी सही, ये भी होता है, जो है मेंटली हेल्थ पर्सन के जो लक्षण होते हैं ये भी होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। ठीक है, इमोशनली स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि भावनात्मक स्थिरता, समझ गए, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि स्थिरता, मतलब समायोजनशीलता, और अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में जो है वह जो है सक्रियता जो है उसको जो है हर एक चीज़ों में उसका सक्रियता जो है यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, मतलब यह गलत चीज़ों में भी जो है नहीं पड़ता है, तो व्यक्ति ये चीज़ें हैं। बाकी नॉन ऑफ अभाव इसका राइट आंसर, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में जो है मेंटली हेल्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है, सब के सब जो है लक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर के प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सा डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को इनमें से कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो देख लीजिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड पोलियो डे, एंड नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आपको पता होना चाहिए 28 जुलाई को जो है आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है मनाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं, आप लोग सिर्फ इसको पढ़ते चलिए। कहता है टीकाकरण सेवाएँ, मतलब इम्यूनाइजेशन सर्विस, किस प्रकार की हेल्थ सर्विस में शामिल है, मतलब जो टीकाकरण सेवा है वह किस प्रकार के हेल्थ सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में शामिल है, बताना है। क्या वह उन्नायक में शामिल है, प्रोमोटिव में, या रोकथाम प्रिवेंटिव में है, या थ्यूरोपेटिक उपचार वाला है, या पुनर्वास वाला है। तो माय डियर, जो टीकाकरण हमारा होता है किसी भी बीमारी के लिए जो टीकाकरण दिया जाता है, तो वह रोकथाम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रोमोटिव नहीं होता है, वो उपचारात्मक नहीं होता है, और वह रिहेबिलिटेटिव नहीं होता है, वह प्रिवेंटिव होता है, किसी भी टीका लेने के बाद उससे रोकथाम होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। पाँच नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेशनल प्रोग्राम वर्ष 1962 में स्टार्ट हुआ, तो 1962 में इनमें से कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ, तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये जो है नहीं हुआ। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो यही सही है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था, तो इसी को जो है रिवाइज करके यह संशोधित वाला रिवाइज वाला जो है लाया गया। ठीक है, तो 1962 में टीवी कंट्रोल प्रोग्राम आया, और 1900 इसके बाद जो है रिवाइज वाला जो है आया। ठीक है, समझ गए, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नौ छठा नंबर प्रश्न है, चाइल्ड हेल्थ से है, शिशु यानी नवजात से आप क्या समझते हैं, नियोनेट्स। देखिए एक होता है आपका इन्फेंट होता है, एक होता है नियोनेट होता है, और एक हमारा जो है होता है, एक जो है आपका जो है बच्चा, ये सब बच्चा का जो है समय होता है, ठीक है ना। तो नियोनेट्स का मतलब होता है 0 से 28 डे का बेबीज, ठीक है, 0 से 28 डे, ठीक है। एक 0 से 1 नहीं होगा, ये गलत है, 0 से 7 भी नहीं होगा और 1 से 3 भी नहीं होगा, समझ गए। 0 से 28 दिन के जो शिशु होते हैं उसको नवजात शिशु कहते हैं, ठीक है, न्यू जन्मा बच्चा, ठीक है, समझ गए। चलिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, एक बात दिमाग में रखिए, एक आपको दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, समझ गए ना। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिए, क्या 8 अगस्त को मनाया जाता है, क्या जो है 21 मार्च, या 12 अक्टूबर, या 8 मई। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर आपके यही होंगे, एकदम मिक्स क्वेश्चन होगा, आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच किया गया है, और ऐसा क्वेश्चन होगा जो नए क्वेश्चन होगा आप बहुत ही कम देखे होंगे। निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, माय डियर, भोजन का डाइजेशन किस में नहीं होगा इनमें से, तो स्टोमक में होता है भोजन, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें होता है। इसोफेगस यह नली होता है, इसमें नहीं होता है, बस यह भोजन जो है जाने का एक रास्ता होता है, यह एक नली है, तो इसमें जो है आपके डाइजेशन नहीं होगा, तो यही राइट हो जाएगा। बाकी इलियम छोटी आंत का भाग है, इसमें होगा ही, ग्रहणी इसमें भी पाचन होगा ही, बस इसोफेगस एक नली है जिससे सिर्फ जो है भोजन आता जाता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, ठीक है, बी आंसर होगा। आगे देखिए, 9वां नंबर बहुत शानदार सवाल है, कहता है निम्न में से क्रेनियल गुहा में पाए जाने वाला ऑर्गेन कौन है, क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी कहाँ होता है, ब्रेन वाला, ठीक है ना, ब्रेन वाला क्रेनियल नर्व पता है ना, तो यह मस्तिष्क, राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही क्रेनियल कैविटी ब्रेन जो है रिलेटेड है इससे, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपका ये ब्रेन वाला है, ब्रेन जो है हमारा क्रेनियल कैविटी में है, ठीक है, फेफड़ा जो है थोरेटिक कैविटी में है, ओके, किडनी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है, और गर्भाशय हमारा पेल्विक कैविटी में है, ठीक है, याद रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि है 50 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को यहां पे समझेंगे, तो सब समझा दिए कि किस किस कैविटी में कौन है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, हो गया। अब 10वां नंबर का है प्रश्न, बहुत शानदार है, ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब जो हम वायु लेते हैं, वायु को छोड़ते हैं, तो यह जो है हमारा ml में होता है, ठीक है, मिलीलीटर में होता है। तो आप लोग समझिएगा, ह्यूमन का जो फेफड़ा होता है उसमें वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, ठीक है, जैविक क्षमता आपसे पूछेगा, या लंग्स का कैपेसिटी पूछेगा, ठीक है। तो कुल जो क्षमता होता है वह जो है 6000 ml होता है, याद रखिएगा, लंग का कुल क्षमता 6000 ml होता है, और बात करेगा तो यह 400 से 6 लीटर होता है, ठीक है, लीटर में बात करेगा तो 400 से 6 जो है लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फीमेल में बात करेगा तो फीमेल में जो है आपको कहीं कहीं 3100 दिया रहता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको 3500 दिया रहेगा, ठीक है, कहीं कहीं 3800 दिया रहेगा फीमेल में, ठीक है, फीमेल में पूछेगा तो 3000 से ऊपर रहता है, और बात करेगा मेल में तो मेल में लगभग 4800 जो है यह जो है होता है, टोटल बात करेगा तो 6000 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। आगे हम लोग चलते हैं, 11 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है, निम्न में से पेल्विस में पाई जाने वाली बोन कौन सा है, माय डियर, पेल्विस में पाए जाने वाला फ्रोंटल हमारा ब्रेन का है, पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद इलियम हमारा जो है यह पेल्विस में पाए जाने वाली बोन है, तो याद रखिएगा इलियम हमारा, एक इलियम जो है आपको पता होना चाहिए, एक इलियम जो है किसका भाग है, छोटी आंत का, और एक इलियम बोन भी है, ठीक है, तो बोन का बात करेगा तो यह पेल्विस में पाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है, निम्न में से ब्लड ग्रुप ए के बारे में कौन सा ट्रू कथन सही है, कथन वाला भी आपके प्रश्न आएंगे, तो निम्न में से ब्लड ग्रुप ए के बारे में कौन सही है, तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ब्लड ग्रुप ए के बारे में कौन सही है, तो इसमें केवल एंटीजन जो है पाया जाता है, ठीक है, इसमें केवल बी एंटीजन, यहाँ पे ए होगा, इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, तो यह तो सही है, ए वाले में ए एंटीजन ही पाया जाता है, तभी तो ग्रुप का हम पहचान कर पाते हैं ना, तो इसमें ए एंटीजन पाएगा ही, ठीक है। उसके बाद बात करेगा तो इसमें बी एंटीजन तो होगा नहीं क्योंकि यह बी ग्रुप को डिनोट करता है, ए बी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों का जाता है, ठीक है, और यहाँ पे और ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है, ओ वाला में एंटीजन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ओ वाला में एंटीजन नहीं होता है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा, तो इनमें केवल ए वाला एंटीजन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए 13 नंबर एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको देख लीजिएगा दूसरे चैनल और यहाँ आपको अंतर पता चल जाएगा, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन
डिग्रेडेशन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए लाइपेज, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है, उसके बाद एमाइलेज और उसके बाद इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो बॉडी में प्रोटीन को पाचन करता है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, एमाइलेज क्या करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट का पाचन करता है, वसा का, और पेप्सिन जो है या इसी को ट्रेप्सिन कहते हैं या प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बता दिए, एक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज हमारा फैट का, और पेप्सिन हमारा किसको पाचन करता है, प्रोटीन का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली सिलियरी बॉडी किस कार्य में सहायक है? तो सिलियरी बॉडी देखने में सहायक है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशी जो है हमारा आँख में ही पाया जाता है, तो यह देखने में ही जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर देखते हैं। एक हेल्दी फीमेल में कितने अंडाशय यानी ओवरी होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए एक फीमेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है दो होता है, ठीक है ना, दो जो है ओवरी होता है, ठीक है, और यह किस शेप में होता है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ओवरी किस शेप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए दो होता है, राइट आंसर दो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्न में से अग्नाशय द्वारा सीक्रेट हार्मोन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए अग्नाशय द्वारा पेप्सिन, गलत, ठीक है, पेप्सिन गलत, हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है, एंजाइम की नहीं, ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यह एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इंसुलिन यह होता है पैंक्रियास से सीक्रेट, सही बात है। नॉरएपिनेफ्रिन होता है सीक्रेट, नहीं, गलत, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इंसुलिन इज द राइट आंसर। 17 नंबर है, कहता है मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है? माय डियर, मंडे मॉर्निंग फीवर का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं लेप्रोसी नहीं होगा, बाइसाइनोसिस, बेगासोसिस और ट्यूबरक्लोसिस। तो मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम बाइसाइनोसिस होता है, ठीक है, बाइसाइनोसिस होता है, याद रखिएगा, बी आंसर होगा, मंडे मॉर्निंग फीवर को कहते हैं। ओके, चलिए 18 नंबर का है, माय डियर, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? रिलेटेड संबंध किससे है मिशन इंद्रधनुष, क्या कुपोषण के रोकथाम से है? तो ये गलत हो जाएगा। टीकाकरण से है, बात सही है, टीकाकरण से रिलेटेड है, आप लोग देखते होइएगा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलता भी है। डॉट्स थेरेपी, तो यह जो है टीवी से है, गलत है। स्तनपान के प्रोत्साहन, गलत है। तो राइट आंसर टीकाकरण से ही रिलेटेड होगा। ओके, चलिए ये हो गया 19 नंबर। अगर आपको अच्छा ना लगे तो ना पढ़िएगा, सीधी सी बातें हैं, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। निम्न में से एयर पोल्यूशन का कारण कौन नहीं है? वनों की अत्यधिक कटाई, ये तो है ही कारण। वाहनों से निकला धुआं, यह भी पोल्यूशन का कारण है, ठीक है, वनों की कटाई, वाहनों, कल कारखानों से निकला धुआं, यह भी है। वृक्षारोपण को बताना, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि वृक्षारोपण से तो हम जो है एयर पोल्यूशन को दूर करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछता है कि कौन कारण नहीं है, तो यही कारण नहीं होगा। यह वृक्षारोपण से तो प्रदूषण हटता है, कारण थोड़ी ना बनेगा। तो यह तीनों जो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो यह कारण नहीं है, ठीक है, एयर पोल्यूशन का, यह एयर पोल्यूशन को हटाता है, ठीक है। 20 नंबर है, सीवेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सीवेज का मतलब क्या होता है कि मल मूत्र जो बहता है ना एक नली के द्वारा, वही सीवेज सिस्टम होता है। तो देख लीजिए, ह्यूमन एक्सक्रेटा भी मिले हैं, खेतों से निकला केमिकल्स युक्त पानी, गलत, मल जल को निस्तारण हेतु पाइपलाइन द्वारा निस्तारण स्थान तक ले जाना, ये बात सही है। एक पाइप के द्वारा मल जो है, मल जल को मिला हुआ को हम लोग एक जहां तक ले जाना होता है वहां तक पाइप के माध्यम से ले जाते हैं, तो वही सीवेज होता है, गंदे पानी को निकालना जहां पहुंचाना हो वहां तक, ठीक है। चलिए तो सी राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना कि क्या सीवेज का मतलब होता है, मलमूत्र को बाहर की तरफ निकालना। जन्य सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए, इसको शॉर्ट में JSY कहते हैं, JSY। तो मैं ये बात कर रहा था कि जन्य सुरक्षा योजना JSY प्रारंभ करने के पीछे क्या इसका उद्देश्य था, क्यों यह जो है शुरू किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम बेस कॉन्सेप्ट पर आधारित पढ़िए। फालतू के क्वेश्चन एक लाइन का एक चार गो ऑप्शन दे दिया, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन एग्जाम बेस्ट वो नहीं होगा, क्योंकि वो सब जानता है, ठीक है। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए, समझिए। चलिए 21 नंबर का है, देख लेते हैं। तो HIV संक्रमण के प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, क्या इसका एक उद्देश्य था, तो नहीं, गलत है। संस्थागत प्रसर्ग को जो है महत्व देना, यहाँ पे माया नहीं देना होगा, महत्व है, टाइपिंग गलत है। तो जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी था, मतलब अस्पताल में डिलीवरी कराने का जो है प्रोत्साहन करने के लिए जो है इस उद्देश्य से JSY जो है शुरू किया गया। और सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी फीमेल है उसको जो है क्या किया जाए कि अस्पताल में जो है उसे प्रसर्ग कराया जाए, इस उद्देश्य से शुरू किया गया। बाकी मस्क्यूटो वाला होगा नहीं, किशोरियों को मेनुट्रिशन की रोकथाम करना, ये सब गलत है, ठीक है।
चलिए यही है संस्थागत डिलीवरी। ओके 22 नंबर है, निम्न में से श्रवण दृश्य उपकरण ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण है। देखिए ये सब कम्युनिटी हेल्थ का है, कितना ज़बरदस्त है कि ऑडियो विजुअल का हमें जो है उदाहरण बताना है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, तो ऑडियो विजुअल का इसमें से उदाहरण है टेप रिकॉर्डर गलत, पोस्टर गलत, टेलीविजन सही, रेडियो गलत। तो जो ऑडियो और विजुअल, मतलब ऑडियो के साथ जिसमें विजुअल हो, देखने वाला हो, तो वही टेलीविजन। तो सही है, ये बात सही है, ठीक है। 23 नंबर की है कि देश की अनुमानित सकल मृत्यु दर कितनी है। माय डियर ये सब जो है टाइपिंग थोड़ा दिक्कत हुआ है, सकल जो हमारा मृत्यु दर है अभी वह 7.4 है, ठीक है। कितना है 7.4 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। अभी 7.4 या 7.7 के आसपास में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 7.4 राइट होगा। यह सब के सब जो है आपका, बाकी के सब जो है गलत है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड नो टबैको डे। देखिए तीसरा यह डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, हर एक कंपटीशन में आपको डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो है मनाया कब जाता है, नो टबैको डे मतलब टबैको नहीं खाना है, इसके लिए विश्व नो टबैको दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 24 मार्च, 29 मार्च एंड 31 मई। तो नो टबैको दिवस, वर्ल्ड नो टबैको दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। 25 नंबर यानी आधे पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं, ESI स्कीम का पूरा नाम क्या है, यानी ESI का फुल फॉर्म हमें पूछ रहा है। एम्प्लॉयर स्कीम जो है आपके ऐसे ही कुछ है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, यही राइट आंसर होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलत, जननी सुरक्षा योजना गलत, वंदे मातरम योजना गलत। राइट आंसर कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ESI का यही जो है आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 26 नंबर माय डियर है कि कहता है नवजात शिशु के इनिशियल असेसमेंट हेतु किस मेथड का यूज किया जाता है। इनिशियल मतलब समझ रहे हैं, प्रारंभिक आकलन करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है नवजात में, मतलब अभी जन्म लिया और उसके शुरुआत में ही जो उसका जो है आकलन किया जाता है, चेक किया जाता है, वो किस मेथड से। तो आप लोग एक नाम सुने होइएगा अपगार, ठीक है, अपगार स्कोर या अपगार स्केल। सबसे बच्चा जन्म लेता है उसके 1 से 5 मिनट में जो है इस यही अपगार स्केल के जरिए ही बच्चे के सारे जो है टल का चेक किया जाता है, स्किन का रंग हो गया, धड़कन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, इस सब को चेक किया जाता है। तो हमारा अपगार, इसमें देखिए अपगार स्कोरिंग है ना, यही राइट आंसर ए वाला होगा, ठीक है। तो ए है ग्लासगो कोमा स्केल, क्या करता है, अनकॉन्शियस पेशेंट का जो है लेवल को चेक करता है कि कितना जो है अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब बेहोशी हालात में कितना है। रूल्स ऑफ नाइन क्या करता है, जले हुए मरीजों के लिए जो है परसेंटेज ज्ञात करता है कि कितना पेशेंट जो है जला हुआ है, कितना परसेंट, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा में यह एक प्रतिवर्त है, यह एक रिफ्लेक्स है। तो देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कितना बता दिया, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अपगार स्कोरिंग सिस्टम में एक्सेस किया जाने वाला लक्षण नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में से कौन ऐसा एक लक्षण है जो अपगार स्कोरिंग में नहीं है। तो आई ओपनिंग क्या है, ये भी गलत है, नहीं है। रिस्पायरेशन रेट ये है, अपगार स्कोर में ये है। उसके बाद पेटेंसी ऑफ एयरवे के क्षमता, यह भी नहीं है, गलत है। तो यह सिर्फ जो है हमारा अपगार स्कोरिंग में है, बाकी का आई ओपनिंग हो गया या पेटेंसी ऑफ एयरवे हो गया, यह दोनों नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए एंड सी। ओके चलिए 28 नंबर है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा निम्न में से कौन से, हाँ एक चीज़ बता देते हैं, अपगार स्कोर में 0, 1 और 2 का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा 0, 1 और 2। अगर बिल्कुल कोई चीज़ पैसे बच्चा गड़बड़ है तो 0 अंक दिया जाता है, बच्चा हल्का ठीक है तो 1 अंक दिया जाता है, अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो उसे 2 अंक दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कुल 10 अंक तक ही जो है इसे अपगार स्कोर में 10 तक ही जो है ऐड आ सकता है, योग करने पर आ सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। विटामिन ई जो है सबसे ज़्यादा किस में रहता है, मीट में, सनफ्लावर आयल में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में। तो माय डियर आप लोग को पता होना चाहिए सनफ्लावर आयल में विटामिन ई जो है सबसे ज़्यादा होता है, सूर्यमुखी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा टीका पोलियो की रोकथाम हेतु लगाया जाता है, पोलियो के रोकने के लिए कौन सा टीका है इनमें से। तो IPV ठीक है ना, ये याद रखिए, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, पेंटाफाइव गलत है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों जो है आपके पोलियो के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर है, बहुत शानदार प्रश्न है, बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो है फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए, मतलब जो बच्चा होता है उसको पूरक आहार सप्लीमेंट्री आहार कब जो है देना शुरू कर देना चाहिए। तो पूरक आहार आप लोग को पढ़ाया गया होगा चाइल्ड हेल्थ में, पैदा होते ही गलत, पैदा होते ही कोई भोजन लेता है, नहीं लेता है, 6 माह की उम्र पर, और यही राइट आंसर होगा, 5 से 6 माह की उम्र पर
स्तनपान के साथ में कुछ ऊपर से जो भोजन दिया जाता है उसी को पूरक आहार कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष की उम्र गलत हो जाएगा, दो वर्ष की उम्र गलत हो जाएगा, छः माह सही होगा। ठीक है, 31 नंबर का है, कहता है निम्न वैक्सीन में से किलेट बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किलेट बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है, इनमें से BCG है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, या IPV या DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन जो होता है किलेट वैक्सीन है, किलेट बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो याद रखिएगा DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, तीनों रोग के लिए यह काम करता है DPT का टीका। ओके, चलिए 32 है, कहता है एक फीमेल में द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैट्रैक्टाइस का विकास कहलाता है। मतलब जब एक फीमेल में जब द्वितीय सेकेंडरी सेक्सुअल जब विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण का जब विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, यौना आरंभ, या मेनार्क कहते हैं, या मेनोपॉज कहते हैं, या फिर उसे प्रीसियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो जब द्वितीय लक्षण शुरू होता है सेक्सुअल का तो उसे हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, यौना आरंभ जो है इसी द्वितीय लैंगिक लक्षण के साथ में शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर माय डियर है, योनि से रक्तस्राव वैजिनल ब्लीडिंग मासिक चक्र के किस फेज में होता है, तो माय डियर प्रोलीफेरेटिव फेज गलत हो जाएगा, सेक्रेटरी फेज आपके गलत हो जाएंगे, मेंसुरेंशियल यह जो है आपके बताएंगे, और इंडोमेट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए कि योनि से ब्लीडिंग किस चक्र में आने लगता है मासिक चक्र के। तो माय डियर ऋतु श्राप जो होता है ना वही तो हमारा ब्लीडिंग का समय होता है, और यही तो जो है हमारा मेंस्ट्रुअल जो है साइकिल होता है। तो जब ब्लीडिंग होने लगता है 3 से 5 दिन चलता है यह, तो यही तो हमारा फेज जो होता है मेंसुरेंशियल फेज होता है। ठीक है, ऋतु श्राप जो है होता है यहीं पर। ठीक है ना, 34 नंबर है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना क्या कहलाता है, मतलब रिलेशन बनाते समय अगर पेन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेन होना को हम लोग डिसपेरियूनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी डिसपेरियूनिया। ठीक है, डिसपेरियूनिया, ठीक है, डिसपेरियूनिया याद रखिएगा, यह इंटरकोर्स के दौरान होने वाला दर्द को दर्शाता है। ठीक है, 35 नंबर है, कॉपर टी 380 उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग को पढ़े हैं किसमें, यह एक अस्थाई जो है साधन है गर्भधारण से बचने का। तो कॉपर टी 300A जो है, अब 300A नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह 300A जो है एरिया लेता है। ठीक है, टी आकार के होता है, शेप में टी आकार का होता है, लेकिन 380 जो है एरिया है इसका, इसीलिए जो है 380 ये नाम दिया गया है। अब यह जो है होता है, तो यह जो है कॉपर युक्त अंतर गर्भाशयी साधन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर टी 380 ए हार्मोनल अंतःस्रावी जो है गाधन गलत है, कॉपर युक्त अंतर गर्भाशयी साधन का। ठीक है, तो यह भी जो है हमारा सही है। ठीक है, परायुक्त नहीं गलत, और अस्थाई तो है नहीं गलत। ठीक है, तो यह कॉपर युक्त जो है इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कहता है नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की जो प्रति मिली कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता होता है कितना होता है, मतलब 1 ml में कितना जो है आपके क्वालिटी होनी चाहिए, नॉर्मल सीमेन में जो काउंट होता है ना स्पर्म काउंट वह कितनी होनी चाहिए। तो स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए पर ml, तो पर ml जो है 20 मिलियन या इससे अधिक होगा तो जाके एक व्यक्ति जो है बच्चे पैदा करने के लिए समर्थ होगा और स्वस्थ होगा। तो पर ml 20 ml के जो है हिसाब से जो है या इससे अधिक जो है आपके अगर सीमेन में स्पर्म है सांद्रता तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काउंट स्पर्म काउंट यही होता है, तो 20 मिलियन पर एमएल है ना। ठीक है, 37 नंबर है, टीन एज का मतलब क्या होता है, टीन एज प्रेगनेंसी से क्या तात्पर्य है, टीन एज का मतलब होता है टीन एज मतलब अभी 18 से कम उम्र। ठीक है, तो 18 से कम उम्र के जो यहाँ पे देख लीजिए टीन एज, एक महिला यहाँ पे 18 ऑप्शन नहीं है तो हम 19 मान के चलेंगे। ठीक है, तो 18 यहाँ पे 18 रहता तो 18 हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक महिला 19 वर्ष या इससे पूर्व प्रेगनेंट हो जाना ही टीन एज प्रेगनेंसी कहलाता है। वैसे तो अगर यहाँ पे 18 रहता तो हम 18 लिखते, लेकिन ऑप्शन में 19 है तो इसलिए हम लोग 19 वर्ष से कम, ठीक है, प्रेगनेंसी को टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, समझ गए। चलिए, कम उम्र में प्रेगनेंसी यही टीनेज होता है। ओके, 38 नंबर बहुत शानदार है, माला एन एक पैल में एक पैक जो होता है माला एन वह कुल पिल्स कितने होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए माला एन क्या है, तो यह एक गर्भ निरोधक गोली है जिसका उपयोग गर्भ से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक पैक में कुल 28 गोली पिल्स जो है होती है माला एन की। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में सबसे अंत में बनती है, कौन सबसे अंत में बनता है, जाइगोट, ब्लास्टोमेयर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, कौन सा। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यह बेचारा सबसे अंत में जो है अन्य के तुलना में सबसे अंत में यह बनता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, तो याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए जाइगोट को ब्लास्टोमेयर का निर्माण कितने समय बाद हो जाता है, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर का निर्माण लगभग कितने समय बाद हो जाता है, यानी जाइगोट है ठीक है, यह जाइगोट है, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बनना है तो लगभग कितने समय बाद जो है जाइगोट से ब्लास्टोमेयर हो जाता है, कितने समय बाद, तो लगभग बी ऑप्शन जो है आपका 30 घंटे, यही राइट आंसर होगा, लगभग जो है 30 घंटे में जो है जाइगोट से ब्लास्टोमेयर हो जाता है ठीक है, याद रखिएगा। 41 नंबर और बहुत शानदार है कि प्रेगनेंसी के फुल टर्म पर अर्थात 40 सप्ताह की अवधि पर एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जब पलता है तो यूट्रस में, तो यूट्रस के अंदर ही बच्चा के चारों साइड से एमनियोटिक फ्लूड भरा होता है ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो द्रव सब निकलता है ना यूट्रस से, तो वह जो है एमनियोटिक फ्लूड ही होता है ठीक है, और साथ में ब्लड भी निकलता है, तो जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वह पूर्ण टर्म होने पर, प्रेगनेंसी के पूर्ण कंप्लीट होने पर यानी 40 सप्ताह पूरा होने पर जो एमनियोटिक फ्लूड की जो मात्रा होती है ना वह जो है 500 से 600 ml होता है ठीक है, और यही बात करेगा कि अगर 32 से 34 सप्ताह सबसे अधिक होता है और वहाँ पे जो है 800 से लेकर 1000 जो है ml जो है आपके होते हैं, लेकिन पूर्ण होने पर यह घटकर 500 से 600 ml बच जाता है, तो याद रखिएगा ठीक है। चलिए 42 नंबर बहुत शानदार है, निम्न में से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब समझ रहे हैं, हाइपरटेंसिव मतलब उच्च रक्तचाप और एंटी मतलब विरोधी, मतलब उच्च रक्तचाप के विरोधी दवाई इनमें से कौन नहीं है बताना है, तो देख लीजिए लेवेटालोल है ठीक है, मैथिल डोपा यह भी जो है निफिडिपिन यह भी है, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप के लिए दिया जाता है, लेकिन फेनिटोन जो होता है यह नहीं दिया जाता है। फेनिटोन जो है यह आपके सीजर आता है या जो मतलब जो प्रेशर लगता है उस पर दिया जाता है, यह हाइपरटेंशन का यह तीनों दवाई है बट यह फेनिटोनी नहीं है ठीक है, याद रखिएगा। 43 नंबर है, कहता है प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है, प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्ह और शामिल नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में भी, तो हाइपरटेंशन जो है प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है, हाइपरटेंशन आना, क्या यह प्रेगनेंसी के समय हाइपरटेंशन नहीं आता है, आता है तो यह जो है नहीं होगा, यह तो है ही चिन्ह। चेहरे एवं हाथ पैरों में स्वेलिंग यह भी जो है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है। दौरे आना ठीक है ना, दौरे आना तो दौरे आना भी पेशेंट को होने लगता है, देखते होइएगा कि प्रेगनेंसी पीरियड में कितना महिला को दौरे आने लगता है ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है एमसी का अचानक बंद हो जाना ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है एमसी का अचानक बंद हो जाना, अचानक से एमसी बंद नहीं होता है, धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी हो जाता है तब यह जो है जाके एमसी बंद होता है, अचानक से बंद नहीं होता, बाकी यह तीनों एक प्रेगनेंट वुमेन में पाया जाता है सब ठीक है लक्षण। ओके 44 नंबर पर अब हम लोग आते हैं, बहुत शानदार यहाँ पे है, प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले, ये सब मैटर्नल हेल्थ का मिडवाइफ का समझ गए, प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है ठीक है, तो क्यूकनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब समझ रहे हैं कि द्वितीय तिमाही में ठीक है ना, द्वितीय तिमाही में क्यूकनिंग समझ गए, क्यूकनिंग उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे द्वितीय तिमाही समझ गए, द्वितीय तिमाही में जो है क्यूकनिंग है, उसके बाद लाइटनिंग है, मासिक चक्र की अनुपस्थित एमनोरिया है या एमसी का पाया जाना, तो इस सब से तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका राइट आंसर क्यूकनिंग होगा। क्यूकनिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो गर्भ में है उसका हलचल शुरू हो जाता है द्वितीय ट्राइमेस्टर में यानी द्वितीय तिमाही में ठीक है, याद रखिएगा। और सप्ताह की बात करेगा तो लगभग जो है आपके 20वें सप्ताह में समझ रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्यूकनिंग, क्यूकनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 45 नंबर की बात करेगा अपरा या प्लेसेंटा के बारे में सत्य इनमें से कौन सा है, आप लोग अपरा जानते हैं या आपके मिडवाइफ का सवाल है अपरा। 45 नंबर मेरा यही है कि अपरा जो होता है यानी प्लेसेंटा जो यूट्रस के साथ लगा होता है और उससे जो है बच्चा का नाभि लगा होता है ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, ये क्या करता है, इसके बारे में सत्य इसमें से क्या है, तो यह स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के दौरान डिसअपीयर हो जाता है, गलत, प्रेगनेंसी के दौरान यह जो है बढ़ते जाता है धीरे धीरे, डिसअपीयर मतलब अनुपस्थित नहीं होता है, इसमें निषेचन के बाद बने युग्मेनज इम्प्लांटेशन होता है, गलत, इसमें इम्प्लांटेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है ठीक है। यह किसी क्रिया को संपन्न जो है करती, यह स्ट्रक्चर जो कि गर्भावस्था के दौरान माता एवं उसके अंदर पल रहे फीटस के बीच पोषक पदार्थों गैसों उत्सर्जी पदार्थ आदि का आदान प्रदान करते हैं, और यही सी ऑप्शन हमारा जो है सबसे करेक्ट है, क्योंकि अपरा और प्लेसेंटा, अपरा यानी यूट्रस से लगा होता है और बच्चे के नाभि से लगा होता है और माँ से जितना भी जो है पदार्थ, खाद्य पदार्थ हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया और भी जो पोषण होता है सब इसी के द्वारा जो है होता है, तो यही सी ऑप्शन सत्य है ठीक है।
ओके चलिए, तो सी आंसर यही सत्य है। 46 नंबर है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है, कौन सा लक्षण जो है डेंगू बीमारी का नहीं है। तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, ठीक है, और उसके बाद जोड़ों में दर्द। तो हल्का बुखार जो है इसका आपका लक्षण नहीं है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, आंखों में भी दर्द होता है, ठीक है, और तेज बुखार आता है डेंगू में, जबकि हल्का बुखार इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। 47 नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा, RMNCH+A कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। माय डियर, यह कार्यक्रम है RMNCH+A कार्यक्रम की शुरुआत 2011, 2013, 2015, 2017, यह 2013 में जो है कार्यक्रम का शुरुआत किया गया RMNCH+A। ओके चलिए, 48 है, कहता है निम्न में से पेल्विक ब्रीम पर पाए जाने वाला बॉडी लैंडमार्क नहीं है। पेल्विक, पेल्विक मतलब श्रोणि, ब्रीम पर पाए जाने वाला बॉडी का लैंडमार्क मतलब चिन्ह जो है नहीं है। प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, पेक्टिनियल, ठीक है, लाइन, और एलियो प्यूबिक उभार, और यहाँ पे देख लीजिए एस्टर्नम। तो एस्टर्नम जो है आपका पता होना चाहिए, एस्टर्नम हमारा छाती के हड्डी बोन बोला जाता है, इसे ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, तो यह तो ऊपर होता है, बाकी के यह जो प्यूबिक क्रेस्ट है, पेक्टिनियल लाइन है, एलियो प्यूबिक उभार है, यह सब जो है पेल्विक वेन पर माया जाता है। यह जो है पेल्विक ब्रीम पर, पेल्विक ब्रीम जो होता है उसका यह लैंडमार्क है, मतलब यह एक चिन्ह है प्यूबिक का, लेकिन यह एस्टर्नम तो छाती का है, ऊपर का है, तो ये चीजें हैं। बाकी सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में से असमान प्रसव के लक्षणों में शामिल है। असमान मतलब एबनॉर्मल, मतलब दिक्कत, समस्या भरा लेबर, इसकी शुरुआत स्वतः ही होती है, ठीक है, फिटस की गर्भ प्रस्तुति, ब्रीच अथवा सोल्जर हो सकती है, ठीक है, प्रसव संबंधित जटिलताएं अनुपस्थित होते हैं, इसे एटोसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल अगर प्रसर्व होता है तो उसे एटोसिया कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। प्रसर्व संबंधी जटिलताएं अनुपस्थित होता है, तो जब एबनॉर्मल प्रसर्व होगा, असमान प्रसर्व होगा, तो जटिलता होगा ही होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुपस्थित होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है फीटस की जो गर्भ का प्रस्तुति होता है, जो ब्रीच होता है और जो सोल्जर होता है, वह हो सकता है, और यह असमान में बिल्कुल सही है। जब समान होता है तो बच्चा का हेड बाहर आता है, सिर बाहर आता है, लेकिन जब असमान होगा तो या तो सोल्जर, कंधा, या ब्रीच मतलब नितंब जो है पहले आ सकता है, ठीक है। तो यह जो है आपके चीजें फीटस में हो सकता है, तो यह असमान होने पर होता है, जबकि नॉर्मल रहता है तो यह स्वतः ही शुरू हो जाता है, तो यह भी नहीं होगा, यह बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया 50 नंबर, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के अंतर्गत किस प्रकार को सर्विस की इम्प्लेंटेशन होता है। तो माय डियर, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, मतलब एक नाम से स्पष्ट है कि मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान, मतलब जो महिला है जो बच्चा को जन्म देती है उसे सुरक्षित रखने का अभियान है, तो इसमें क्या क्या जो है इस सर्विस में होगा। एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विस, एंड इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान में एंटीनेटल केयर होगा, मतलब प्रसव से पहले का देखभाल एंटीनेटल केयर होता है, गर्भ अवस्था के देखभाल, और यह देखभाल जो है सुरक्षित मातृत्व अभियान में है, बाकी के इम्यूनाइजेशन सर्विस नहीं होगा। फैमिली प्लानिंग जो है फैमिली वेलफेयर का यह एक अंग है, और इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन मतलब पर्यावरण का स्वच्छता, यह भी नहीं होगा। तो यह ए नंबर सही होगा, और एंटीनेटल केयर के जरिए जो है हम महिला के जोखिम को, प्रसर्व के जोखिम को कम करते हैं, ठीक है, जिससे उसके जान के खतरा जो होता है वह सुरक्षित होता है, कमता है। तो इस प्रकार से आज का 50 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। अगर आपको सही लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं सही लगे तो जरूर बताइए कि आप गलत पढ़ा रहे या क्या है जो सुधार करनी चाहिए। बाकी हम ये जरूर बताएंगे, आप लोग इसमें जो भी प्रश्न देखे हैं वह मिक्स था, मिडवाइफ से भी था, चाइल्ड से भी था, कम्युनिटी से भी था, हेल्थ प्रमोशन से भी था, सब कुछ से था। तो आप ऐसे प्रश्न पढ़िए जो कॉन्सेप्ट वाला होगा, और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार देखिए, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, फिर से कंटिन्यू डेली आपका 50 क्वेश्चन का यह वीडियो डेली आएगा, रात के 9 बजे लाइव हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। जिनको जॉब चाहिए पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर आप ये सबको पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट है nursinggyan.com, वहाँ से यह आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली के डेली जो 9 बजे वाला रात में वीडियो आएगा, डेली नर्सिंग ज्ञान पर, वह सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अपडेट। ओके, मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।